मुंबई के क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी पुलिस अफसर बनकर लोगों को लूटने और ठगने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वारदात के खिलाफ रबाले पुलिस में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसकी जांच में फर्जी पुलिस गैंग का खुलासा हुआ। आरोपियों से 15 लाख कैश समेत कुल 25,18,000 का माल बरामद हुआ है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में मुंह छुपा रहे ये आरोपी फर्जी पुलिस और जांच अधिकारी बनकर लोगों को लूटने का काम करते थे। 12 नवंबर को रबाले पुलिस में दर्ज हुई एक शिकायत के बाद हरकत में आई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के अधिकारी ने जाल बिछाकर इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों में इमरान इस्माइल शिदातर, सुनील यादव पलटू उर्फ बंगाली, अफजल कादिर कन्नड़, ज्ञानेंद्र गुप्ता उर्फ गुड्डू एवं शाफी भाई उर्फ जाड़िया शामिल है। इनमें एक पत्रकार, एक पुलिस अधिकारी जबकि एक आरोपी ईगल आईज कंपनी का जांच अधिकारी बनकर लोगों को रोकते थे और उन्हें लूटते थे। आइए सुनाते हैं पुलिस आयुक्त ने क्या कुछ कहा। नवंबर महीने में 12 तारीख को रबाले पुलिस स्टेशन के हद में ये रॉबरी का गुनाह हुआ था, जबरी चोरी का, और इसमें दो लोग बुलेट पे आए और एक कंपनी के कुछ लोग, दो लोग पैसा लेकर के आ रहे थे। उनका वो रेगुलर था कि उन्होंने जो एल्युमिनियम के धंधे करते थे उसका जो माल सप्लाई किया था उसका लोगों से पैसा, जो कस्टमर से पैसा इकट्ठा करके ला रहे थे। करीब 25 लाख रुपये एक बैग में लेकर के आ रहे थे और उनको बुलेट पे दो लोगों ने आया, उनको रोका, उनको पिटा, बोला कि हम पुलिस वाले हैं। उसमें से बीच में उनको बैठाया, बैग वाले को लेकर के वो बॉम्बे की तरफ भाग गए एरोली साइड से। और इसमें 24 घंटे के अंदर बड़ा चैलेंजिंग क्राइम था हमारे लिए। हमारे यूनिट 1 के जो टीम है, सीनियर इंस्पेक्टर वहाँ के जो इंचार्ज हैं सुनील सिंधे साहब और उनकी पूरी टीम, ज्वाइंट CP जय जाधव, एडिशनल CP घुरे साहब हैं, DCP सुरेश मेंगड़े क्राइम के, ACP वस्त है, ACP चौहान साहब थे उस समय, ये पूरी टीम जो है सब ने मेहनत करके, कुछ जोन के जो वहाँ लोकल जो पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं उन्होंने भी मदद किया इसमें, और क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी कर्मचारी हैं मेहनत करके 24 घंटे के अंदर इन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसमें बहुत सारा जो है हमने रिकवरी भी की है। और बाद में जा करके जो 6वां जो मेन आरोपी था इमरान घाची, वो भी गिरफ्तार हुआ है और कुल मिला करके हमने करीब 25 लाख रुपए इसमें कैश रिकवरी की है। और एक जो कार उन्होंने यूज़ किया है क्राइम में, एक स्विफ्ट डिजायर कार थी 8 लाख की, वो भी रिकवरी हुई है। और बुलेट जो यूज़ किया उन्होंने, बुलेट भी हमने रिकवरी कर ली है। टिप देने वाला है जो व्यापारी थे चुरड़िया, उसका खुद का 7-8 साल उनके यहाँ काम करता था, बंगाली लड़का है, ड्राइवर था, उसी ने टिप दिया कि हाँ ऐसे लोग आने वाले हैं, लेके आने वाले हैं। फिर बाद में उसमें कुछ बताया, किसी दोस्त को बताया, फिर बाद में ये इमरान कहीं से मिला उनको, तो पूरा ग्रुप बना करके इमरान ने, पूरा मास्टरमाइंड जो था उसने प्लानिंग करके इनको चेच करके उनको पैसे लेके भागे। वो ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।